गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ सर। विभोर बेटा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? विभोर, मेरी आवाज आ रही बेटा? अभी उसकी ऑडियो कनेक्ट नहीं हुई। अच्छा, ऑडियो कनेक्ट नहीं। पुनीत, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे गुड मॉर्निंग सर। हो आप? बढ़िया सर, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मिल गए थे नोट्स बेटा पुनीत आपको? हाँ मिल गए सर कल। ठीक है बेटा। विभोर, गुड मॉर्निंग बेटा। विभोर, आवाज आ रही बेटा मेरी? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप? सही सर। क्या आपने वैक्सीन लगवा ली? ना बेटा, मैंने नहीं लगवाई अभी। मैं कल बुक तो कर रहा था, बट अवेलेबल नहीं है शायद अजय प्लीज स्लॉट में। आपने लग अच्छा, आप तो अभी छोटे हो गए हैं। कल किस किसने दिया टेस्ट? टेस्ट बेटा 4 लोगों ने अटेम्प्ट किया था बेटा, है ना? पुनीत, आपने, आदित्य ने, खुशी ने और स्वास्तिक ने बेटा। वही बच्चे ना जो सबसे पुराने हैं। हाँ जी, हाँ जी बेटा, हाँ, जो बाद में जुड़े थे उन्होंने नहीं दिया था बेटा। अभी क्या सर, रिपीट करना एक बार। तारीफ टेस्ट किस किसने दिया था, आदित्य वो पूछ रही है। हो विभोर रही थी बेटा, तेरी। ओके विभोर सर। बेटा, आप भी ट्राई कर सकते हो। हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे बेटा उसके, ठीक है? राइट, सर बाद में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। मतलब मैं आपके साथ या जो भी और बच्चे हैं ना, तो एक बार सॉलिड स्टेट जो भी छूटा हुआ होगा हम उसको एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? राइट, यस सर। बट वो पेपर इजी था बेटा। हाँ, जानबूझ के मैंने क्वेश्चन एनसीईआरटी ऐसे डाले थे सो दैट कि हमारी एनसीईआरटी तो है, जो हमने करा है वो हमें पक्का हो जाए एक बार, ठीक है? और जो भी बच्चों के गलत क्वेश्चन है बेटा, हाँ ठीक है ना, खुशी आप दोबारा ट्राई करना बेटा उसको, ठीक है ना? आदित्य, आपके भी एक दो जो गलत हैं वो आप दोबारा ट्राई करना बेटा, ठीक है? ठीक यस सर। है बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ ठीक है, राइट, या एक मिनट स्वास्तिक वेट। रह गया, देवांश हाँ जी, एक मिनट बेटा वेट कर लेते भी हैं। रह गया। हाँ, एक मिनट वेट कर लेते हैं, देखते हैं कोई और ज्वाइन करता है तो। वेपर प्रेशर क्लियर है बेटा? वेपर प्रेशर क्लियर था कि वेपर प्रेशर क्या होता है और किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? हम कुछ भी चेंज करेंगे वो चेंज नहीं होगा बेटा, ओनली चाहे कंटेंट वॉल्यूम ऑफ सर। वेसल, चाहे वॉल्यूम शेप ऑफ वेसल, या अगर हम कंटेनर को कहें कि मतलब लिक्विड ज्यादा कर दें, लिक्विड का वॉल्यूम, या लिक्विड कम कर दें, तो किसी भी कंडीशन पे वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट सिर्फ क्या बच्चों, टेम्परेचर पे चेंज होगा। किस पे चेंज होगा? टेम्परेचर पे। देन ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर वंस यू टेक एनी लिक्विड। जो भी लिक्विड, गिवन लिक्विड होगा, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। आज का लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का लेक्चर, जो आगे के 5-6 लेक्चर जो होने वाले हैं बेटा, जो इस हफ्ते हम डिस्कस करेंगे, वो सारा का सारा आज के लेक्चर पे डिपेंड करेगा। तो ध्यान से समझिएगा बेटा आज के लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में हम एक मैथमेटिकल फॉर्म देने वाले हैं और अब हम आज से सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया बेटा वो वेपर प्रेशर पढ़ा था प्योर सब्सटेंस का। नाउ वी आर डिस्कसिंग द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है? राइट, तो हेडिंग लिखेंगे बेटा, हेडिंग लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन बेटा, ठीक है? राइट, अब इसमें क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यहाँ पे बेटा 3 तरीके के हमने पढ़ने हैं, या मेनली 2 ही पढ़ने हैं। मैंने पहले ही बताया था इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना था लिक्विड सॉल्यूशन बेटा। क्या डिस्कस करना था? लिक्विड सॉल्यूशन डिस्कस करना था, ठीक है? राइट, और लिक्विड सॉल्यूशन में, ठीक है राइट, लिक्विड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है बेटा जिसमें जो सॉल्वेंट होता था बेटा वो क्या होता था? लिक्विड। वो क्या होता था? लिक्विड। तो सॉल्वेंट इज लिक्विड, राइट? तो इस केस में जो लिक्विड सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है ना, राइट, उसको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। मेनली 2 डिस्कस करेंगे हम, एक लिक्विड प्लस लिक्विड, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों भी लिक्विड हो बेटा,
और ए क्या हो सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड तो सॉल्वेंट है बेटा, तो ए केस में जो सॉल्यूट होगा वो भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, और दूसरे केस में बेटा एक केस में सॉल्यूट क्या होगा सॉलिड और लिक्विड तो सॉल्वेंट होंगे। ये दो चीजें हमने बेटा इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, राइट। कौन सा वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कौन सा बेटा लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना, राइट। और लिक्विड सॉल्यूशन में भी कौन सा लिक्विड सॉल्यूशन, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने आपको कहा था पहले कि जो सॉल्वेंट होगा बेटा वो डिसाइड करेगा कि फिजिकल स्टेट क्या होगा सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे जो लिक्विड सॉल्यूशन इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो क्या है लिक्विड। सो इस बिहाफ पे बेटा हम दो तरीके के सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट है और सॉल्यूट भी सॉल्वेंट सॉल्यूट भी लिक्विड है, और दूसरा है बेटा इसमें जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड है और सॉल्वेंट क्या होगा लिक्विड होगा। सो वी हैव टू डिस्कस टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम बोलेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, और इसको सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, राइट। तो हम बेटा यहाँ पे दो चीजें डिस्कस कर मतलब क्या करने वाले हैं, हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और सॉलिड लिक्विड वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। आर्यन बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? ठीक है, राइट। तो आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, मैं ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है, दिवांश भी आ गया, स्वास्तिक नहीं आया बस, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। तो हम डिस्कस क्या करने वाले हैं बेटा, हम डिस्कस करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। इससे पहले जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए थे बेटा, हमने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बेटा, ठीक है ना, या प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी कौन सा लेना है बेटा आपको, लिक्विड सॉल्यूशन लेना है, ठीक है ना। लिक्विड सॉल्यूशन का ये मतलब है बेटा कि जिसमें जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा, क्योंकि जो जो फिजिकल स्टेट है बेटा किसी भी सॉल्यूशन की, दैट डिसाइड्स द सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या होगा। तो जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होता है बेटा वही फिजिकल स्टेट किसका होता है, सॉल्यूशन का भी होता है। सो यहाँ पे हमें लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिस्कस करना है, और लिक्विड सॉल्यूशन दो तरीके के हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, एक लिक्विड लिक्विड मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड, जिसको हम क्या कहेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, और एक है सॉलिड लिक्विड जिसमें सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? कोई डाउट? नो सर, क्लियर है, ठीक है। तो इससे डिस्कस करने से पहले बेटा है एक छोटा सा क्वेश्चन है, या वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, बेसिकली क्वेश्चन नहीं है वो एक कॉन्सेप्ट है, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, तो थोड़ा हमें रिकॉल भी हो जाएंगी पिछली चीजें जो था हमने फ्राइडे तक डिस्कस किया था, वो ग्राफ इम्पोर्टेंट है बेटा, हाँ, ठीक है। तो आइए इसको फटाफट पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस पे आएंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। देवांश बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? देवांश आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है आपकी आवाज। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। चलिए एक कंटेनर है बेटा सपोज, ठीक है ना, राइट, इसमें हमने कोई लिक्विड ले रखा है, ठीक है ना, और कुछ इसमें वेपर्स भी है, ठीक है, और यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ, ठीक है ना। लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ क्या है बेटा, वेपर, वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे। तो लेट सपोज इस समय का जो प्रेशर है वो मैं पी वन कहता हूँ, लेट सपोज इस समय का जो प्रेशर है आपने मेजर किया तो पी वन है, क्या इस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कह सकते हैं बच्चों, पी वन को, क्या हम P1 को वेपर प्रेशर कह सकते हैं बच्चों? मैंने क्या बोला, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर, और उस टाइम के प्रेशर को हम क्या कहते थे बच्चों, वेपर प्रेशर, क्या कहते थे, वेपर प्रेशर, बिकॉज लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर। सो ये कंडीशन गिवन है आपको कि लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर बेटा, तो दिस मीन्स ये जो P1 है दैट वी कैन कॉल इट एज एन वेपर प्रेशर। अब मैंने क्या किया, लेट्स सपोज यहाँ का जो वॉल्यूम है वो V1, कितना वॉल्यूम है कंटेनर का, V1। अब लेट सपोज क्या किया मैंने बेटा, थोड़ा सा वॉल्यूम इसका बढ़ा दिया, मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दिया, ये यहाँ आ गया, ठीक है ना, राइट। बट अभी भी क्या है, लिक्विड
और वेपर्स इक्विलिब्रियम पे है, थोड़ी देर बाद फिर से दोनों इक्विलिब्रियम पे आ गए, तो मुझे बताइए क्या इस टाइम का जो प्रेशर होगा उसको हम P1 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं सर? यस सर, लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ये, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे? P1 ही लिखेंगे, क्योंकि क्या होगा, जैसे ही आपने वेपर्स थोड़ा कंटेनर थोड़ा ऊपर किया होगा या वेसल सॉरी पिस्टन थोड़ा ऊपर बढ़ाया होगा, तो तुरंत कुछ लिक्विड वेपराइज करके जो एम्प्टी स्पेस है उसको फिल कर दिया होगा और फिर से जो प्रेशर होगा वो फिर से P1 आ जाएगा। बट क्या वॉल्यूम V1 रहेगा बच्चों? क्या वॉल्यूम V1 रहेगा? नो सर नहीं, बट नाउ द वॉल्यूम बिकम्स V2 बेटा, ठीक है राइट। अब क्या है, एक थोड़ा सा और मैंने क्या करा, इसको इंक्रीज कर दिया मैंने, पिस्टन को और थोड़ा बढ़ा दिया बेटा, तो अब लिक्विड बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है और सारा का सारा अब क्या है वेपर्स है, बट स्टिल वेपर सारी इक्विलिब्रियम विद लिक्विड इज इक्विलिब्रियम विद वेपर्स, तो क्या मैं इस टाइम के जो प्रेशर है उसको P1 कह सकता हूँ? यस सर। क्या हम कह सकते हैं बच्चों? सभी से पूछ रहा हूँ मैं, क्या सब कह सकते हैं? आर्यन कह सकते हैं बेटा हम? यस सर। यस सर, ठीक है राइट। तो क्या होगा, धीरे धीरे लिक्विड क्या करता जाएगा, वेपराइज करता चला जाएगा, ठीक है ना, सच दैट जैसे ही एम्प्टी स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा उसमें कुछ मॉलिक्यूल फिर से क्या होंगे, लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, सच दैट वेपर प्रेशर बिकम्स कॉन्स्टेंट। मैंने क्या बताया था, जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में, उसमें ऐसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, सच दैट कि उनकी जो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी वो पहले जैसी ही हो जाए, इसलिए प्रेशर सेम रहेगा, तो ये क्या होगा P1, बट वॉल्यूम क्या होगा बेटा V। अब इस केस में क्या है बेटा, ठीक है ना राइट, एक ई ड्रॉप लिक्विड का पड़ा हुआ है, क्या है, एक ड्रॉप लिक्विड का पड़ा हुआ है, ठीक है राइट, और स्टिल जो है ये सारा का सारा वेपर्स है, ठीक है ना राइट, और मैंने कंटेनर का वॉल्यूम और भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है, बट स्टिल एक ड्रॉप अभी पड़ा हुआ है यहाँ पे, एक ड्रॉप लिक्विड का है, तो इस टाइम के तो प्रेशर को हम क्या वेपर प्रेशर कहेंगे बच्चों? यस सर, यस इसको भी कहेंगे हम, ठीक है राइट। विभोर क्लियर है बेटा? विभोर आपको क्लियर है? यस सर। P इज इक्वल टू कितना बेटा? P1, और P इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? V4। अब लास्ट केस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना राइट, लास्ट केस में नीचे बना रहा हूं, ठीक है राइट। हमने क्या करा बेटा, कंटेनर का वॉल्यूम और भी बढ़ा दिया, बट अब इस केस में क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ वेपर्स, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेपर्स हैं, ओनली वेपर्स हैं, तो क्या इस P को मैं P1 कहूंगा? क्या मैं इस P को P1 कहूंगा बेटा? नो सर। तभी से पूछ रहा हूं बेटा, क्या मैं इस P1 को P1 P1 कहूंगा कि नहीं कहूंगा बताइए? नहीं कहेंगे, क्योंकि इस बार क्या है बेटा, इस बार क्या है, सिर्फ कोई भी लिक्विड नहीं है, दिस मीन्स लिक्विड इज नॉट इक्विलिब्रियम विद वेपर, सो P इज नॉट इक्वल टू बेटा P1, और ये वॉल्यूम कितना है? V5, ठीक है। मैंने और इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना, मैंने और इंक्रीज कर दिया अगर सपोज, ठीक है ना राइट, और ये प्रेशर है, ठीक है राइट, लेट्स सपोज मैं इसको बोल रहा हूँ इस समय का जो प्रेशर को P4 बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5, लेट्स सपोज मैं P5 कह रहा हूँ, और मैंने वॉल्यूम और इंक्रीज कर दिया, लेट्स सपोज यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो V6 हो गया, क्या इस टाइम के जो प्रेशर को हम P5 कहेंगे बच्चों बताइए? नो सर, नहीं, P5 नहीं कहेंगे, क्योंकि अब सिर्फ ये सिर्फ वेपर्स हैं। सर एक बार रिपीट करना लास्ट केस। लास्ट केस ये है बेटा कि यहाँ पे कंडीशन क्या थी बेटा, सारा का सारा वेपर्स था, कोई भी लिक्विड नहीं था। नहीं सर, जो भी आपने समझाया ना P5 वाला। हाँ, P5 का मैं ये कह रहा हूँ कि मैं लेट्स सपोज ये जो P1 के बराबर तो है नहीं बेटा, है ना दिव्यांश, ठीक है, तो मैंने लेट्स सपोज इसको P5 बोल दिया, सपोज मैंने क्या बोल दिया, P5 बोल दिया प्रेशर। Okay, अब मैंने क्या करा, वॉल्यूम थोड़ा और इंक्रीज कर दिया, V5 से भी V6 कर दिया, ठीक है, तो क्या मुझे बताओ ये जो प्रेशर, जो इस समय का जो प्रेशर आएगा, no, sir, equal नहीं आएगा। No, P5 के बराबर नहीं आएगा, लेट्स सपोज इट विल बिकम P6। इसके बाद बेटा जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएंगे, प्रेशर कभी भी उसके बराबर P1 के बराबर नहीं आएगा, क्या ये बात सभी को समझ में आई बेटा? यस सर। मतलब यहां से अगर मैं ये कहता हूँ, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, और ये P4 है, तो कहने का ये मतलब है P1 equal to P2 equal to P3 equal to P4 and that is called as vapor pressure। लेकिन जैसे ही आपने क्या करा, P1
P1, ठीक है ना, राइट, इज नॉट इक्वल टू T5 बेटा, P5 नहीं है और ना ही ये किसके इक्वल है बेटा, P6 के इक्वल, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे जो P5 है और जो P6 है बेटा इज जस्ट अ प्रेशर, और इस समय वेपर्स नहीं है, इस समय इट इज बिहेविंग लाइक अ गैस, इट इज अ प्रेशर ऑफ अ गैस, क्योंकि लिक्विड और वेपर्स इक्विलिब्रियम में नहीं है। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट मुझे बताइए, खुशी क्लियर है आपको? Yes, खुशी क्लियर है बेटा, तो आर्यन yes. बेटा आपको क्लियर है? आर्यन बेटा आपको क्लियर है? क्लियर है, क्लियर, ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा बेटा, आप कंटेनर को का वो पिस्टन को थोड़ा थोड़ा ऊपर करते जाएंगे, धीरे धीरे लिक्विड क्या करता जाएगा, वेपराइज करता जाएगा, तब तक करता जाएगा कि जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो, एक टाइम पे सारा का सारा लिक्विड वेपराइज कर जाएगा, उसके बाद सिर्फ वेपर्स बचेंगे बेटा। अब ये फर्दर और क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में कभी स्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी ड्रॉप लिक्विड का नहीं है। अब ये जो गैसेज है, ये जो वेपर्स है, नाउ इट विल बिहेव लाइक अ गैस, और गैस के जो प्रेशर को हम क्या कहेंगे, प्रेशर ऑफ अ गैस या सिर्फ पी कहेंगे। कोई डाउट बेटा मुझे बताओ यहाँ पे, कोई डाउट? नो सर, नो सर। सभी को बेटा, विभोर बेटा क्लियर है आपको? यस सर, ठीक है, राइट। किसी को भी, पुनीत बेटा आपको कोई डाउट? पुनीत आपको कोई डाउट नहीं? आदित्य आपको डाउट बेटा कोई? नो सर। आदित्य आपको कोई डाउट बेटा? नो सर, नहीं, ठीक है। तो अगर मैं अब इसका देखिए, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या आएगा बेटा, देखिए तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक है ना, राइट, वेपर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर है, ठीक है, राइट। तो अगर आप देखिए बेटा, जब तक वॉल्यूम V4 था, तब तक प्रेशर क्या था बच्चों, कांस्टेंट था कि नहीं था, बताइए? यस सर, राइट। सो दिस मींस क्या होगा, यहां से शुरू होगा तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, और yes, ये कहां तक आएगा, जब तक कि वॉल्यूम आपने क्या कर रखा, V4 किया हुआ है, क्या किया हुआ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ वेसल, और इसके बाद क्या होगा बेटा, क्या ये स्ट्रेट लाइन ऐसे कंटिन्यू करेगा कि चेंज हो जाएगा ग्राफ? सर चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट था बेटा, थ्रू आउट पूरे चैप्टर में भी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब जो प्रेशर ऑफ अ गैस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम। सो दिस मींस ग्राफ क्या होता है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो दिस इज अ ग्राफ, जो भी हमने ये पढ़ा है कॉन्सेप्ट बेटा, ये उसका ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर था बेटा उसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर, बट आफ्टर दिस ये जो प्रेशर है इट इज अ प्रेशर ऑफ अ गैस। कोई डाउट बेटा बताइए ग्राफ में, कोई डाउट? मतलब ये वाला ग्राफ किसका आ जाएगा, बॉयल्स लॉ का ग्राफ आ जाएगा, किसका आ जाएगा, बॉयल्स लॉ का, क्योंकि अब ये जो वेपर से दे आर बिहेविंग लाइक अ गैस, और ग्राफ कैसा आएगा, बॉयल्स लॉ का है। क्या समझ में आया बच्चों की नहीं आया बताइए? yes, बाकी किसी को डाउट बेटा, किसी को भी डाउट क्लियर है? यस सर, ठीक है, राइट। सो दिस इज द ग्राफ बेटा, क्या होगा, जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है ना, राइट, तो प्रेशर क्या होता जाएगा, जब तक कि वेपर प्रेशर मेंटेन्ड है बेटा, तब तक तो क्या रहेगा, तब तो वेपर, जब तक लिक्विड और वेपर्स का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा तब तक तो वेपर प्रेशर सेम रहेगा बेटा, बट आफ्टर दैट क्या होगा, वेपर्स सिर्फ वेपर बचेंगे, कोई लिक्विड नहीं बचेगा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा, उस टाइम को जो प्रेशर है उसको क्या कहेंगे बेटा, प्रेशर ऑफ अ गैस कहेंगे। क्लियर है बेटा? तो दिस इज अबाउट बेटा जो भी हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है ना, राइट, ये उसका ग्राफ था, इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, ठीक है, राइट, तो इसको ध्यान से रखिए, ध्यान से समझिएगा और याद रखिएगा बेटा इसको, ठीक है ना, क्लियर? सान्या क्लियर है बेटा? खुशी क्लियर है बेटा? यस सर। विभोर बेटा आपको क्लियर है? ये ग्राफ में मैं दोबारा बताऊं बेटा, विभोर अभी आवाज आ रही बेटा? यस यस सर, ठीक है, क्लियर है ये ग्राफ की मैं दोबारा रिपीट करूं बेटा, आप बताइए? नो सर, ठीक है, राइट, गुड।
चलिए बेटा ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन बेटा। हाँ ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि जो आगे के टॉपिक है वो इसी लॉ पे डिपेंड है ठीक है ना, जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक है राइट। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट सपोज क्या है हमारे पास, एक वाटर है ठीक है ना राइट, ये प्योर वाटर है ठीक है ना एक वेसल में, और एक वेसल में लेट सपोज हमने अल्कोहल ले लिया, क्या ले लिया अल्कोहल ले आर ठीक है, टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट है बेटा, क्या मुझे बता सकते हो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बेटा, अल्कोहल का कि वाटर का? अल्कोहल का, अल्कोहल वाले का। अभी तो किसी का नहीं होना चाहिए, हमने बंद ही नहीं कर रखा। नहीं बंद नहीं करेगा तो भी तो आपको स्मेल आएगी कि नहीं आएगी बेटा, पहले बताओ। आपने वेपर प्रेशर पूछा ना। हाँ तो भी तो जो वेपर जो ज्यादा जनरेट होंगे अगर क्लोज कर दोगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा ही आएगा बेटा, है कि नहीं? नहीं मेन कंडीशन तो होते हैं सर, बंद कर। हाँ मेन कंडीशन होती है, बट अगर किसी के वेपर आपको जनरली अगर ऐसे कोई पूछता है ठीक है ना राइट, किसके वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो आप ऐसे नहीं बोलोगे सर कि क्लोज कंटेनर करो तब मैं आपको बताता हूँ, मैं चार लिक्विड आपको दे दूँ, H2O दे देता हूँ, ROH दे देता हूँ और ROR दे देता हूँ, अब बताओ आपसे पूछेगा कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा किसका कम होगा, तो आप वहाँ पे ये बोलोगे देवांश कि पहले कंटेनर क्लोज करो। सर मुझे लगा क्वेश्चन है सर कि पहले। नहीं 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 ठीक है ना, ऐसे कभी नहीं कहेंगे, आपको प्रेडिक्ट करना है बस, वो ऑलरेडी हमें नोन है बेटा कि कंटेनर क्लोज है, क्लियर है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड है और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड कम है, तो दिस मीन्स हम कहेंगे कि अगर इसका वेपर प्रेशर लेट सपोज 130 mm है तो इसका वेपर प्रेशर क्या 130 mm से ज्यादा होगा कि नहीं होगा बच्चों बताइए। यस सर ठीक है, सभी से पूछ रहा हूँ बेटा मैं, विभोर आर्यन बेटा क्लियर है ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है बट हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी कम होती है एज कम्पेयर टू बेटा अल्कोहल वाटर में, तो अगर आप ठीक है तो अल्कोहल ज्यादा वॉलेटाइल होता है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होती है, तो दिस मीन्स इसका लेट सपोज मैं लिख देता हूँ 200 mm इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, एज्यूम करता हूँ 200 mm में। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इन दोनों को बेटा मैंने मिक्स कर दिया, मैंने क्या करा इन दोनों को मिक्स कर दिया, ये हमारे पास क्या है वाटर प्लस अल्कोहल, हमने दोनों को मिक्स कर दिया। अब मुझे ये बताइए जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या वेपर प्रेशर इन दोनों के बीच में आएगा कि इससे कम हो जाएगा इससे ज्यादा हो जाएगा? सर बीच में आना चाहिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ सभी से पूछ रहा हूँ, जब आपने दो चीजों को मिक्स कर दिया इन दोनों को मिक्स कर दिया तो जो प्रेशर है जो वेपर प्रेशर है वो इन बिटवीन 200 टू 130 आएगा कि लेस देन 130 और ग्रेटर देन 200 आएगा बेटा? सानिया क्या लगता है आपको किसके बीच में आना चाहिए, कोई आइडिया? सर इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए, इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए बेटा, और इन दोनों के बीच में अगर आपका आ रहा है तो ही क्या होगा तो ही आपका आंसर सही है ठीक है ना राइट। आपने दो लिक्विड लिए, अब ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा क्या हो जो मोर वोलेटाइल हो उससे ज्यादा हो जाए या लेस वोलेटाइल से कम हो जाए, वो डिस्कस हम बाद में करेंगे, वो डिस्कस बाद में करेंगे ठीक है ना राइट। अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब आप दो लिक्विड मिलाएंगे बेटा तो वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा कम वाले से थोड़ा ज्यादा आएगा और ज्यादा वाले से थोड़ा कम आएगा, क्लियर है बेटा? क्लियर है आर्यन आपको, क्लियर है बेटा? यस सर। तो इसको क्या बोलेंगे, लेस वोलेटाइल, जिसका वेपर प्रेशर कम है वो लेस वोलेटाइल है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है इसको क्या बोलेंगे मोर वोलेटाइल। सो दिस मीन जो वेपर प्रेशर है बेटा दैट विल बी, ये सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, अब हमने सॉल्यूशन पर आया है और हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं बेटा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, मैंने पहले बताया था फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, तो वी आर डिस्कसिंग द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब हमारे पास जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है दोनों ही क्या है लिक्विड है और दोनों ही वोलेटाइल है, मतलब वी आर हैविंग अ बाइनरी सॉल्यूशन, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा बाइनरी, मतलब एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट ये भी लिक्विड है बेटा और ये भी लिक्विड है, और अगर ये लिक्विड है तो ये भी वोलेटाइल है और ये भी वोलेटाइल है, तो हियर बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूट एज वेल सॉल्वेंट ठीक है।
तो दिस मीन जो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का बेटा वो क्या आएगा 130 mm से तो ज्यादा आएगा और 200 mm से क्या आएगा कम आएगा. दिस मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन बेटा ऑलवेज ऑलवेज क्या है ग्रेटर देन किसके लेस वोलेटाइल से और लेस देन मोर वोलेटाइल से. तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन लेस वोलेटाइल होगा सब्सटेंस से या कंपोनेंट कह दीजिए और क्या है बेटा ग्रेटर देन तो होगा लेस वोलेटाइल कंपोनेंट से और लेस देन होगा बेटा मोर वोलेटाइल. कोई डाउट बेटा कोई डाउट बताइए किसी को भी डाउट बेटा प्लीज बताइए. नो सर नो सर सभी को क्लियर है. आर्यन विभोर बेटा स्वास्तिक तो आया नहीं क्लास आज. हाँ सानिया बेटा क्लियर है कैसे क्लियर है ठीक है. खुशी बेटा आपको क्लियर है यस ठीक है राइट. तो अगर हम क्या करें दो लिक्विड लेते हैं बेटा ठीक है ना और उनको मिक्स करते हैं एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेपर प्रेशर हमेशा ही बेटा क्या आएगा इन बिटवीन आएगा लेस वोलेटाइल से उसका क्या होगा ज्यादा होगा और मोर वोलेटाइल से कम ठीक है. अब देखिए यहाँ हमें पढ़ना है बेटा सॉल्यूशन पढ़ना है. आइए इसको देखते हैं आप समझिए बेटा. हाँ नोट्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं अदरवाइज आई विल सेंड यू द नोट्स बेटा. हाँ आप उससे देख के लिख सकते हैं समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा. हाँ ठीक है लेट्स सपोज हमने अब सॉल्यूशन ले लिया बेटा हमने तीन सॉल्यूशन ले लिए. लेट्स सपोज सॉल्यूशन ये बीकर ए है और ये बीकर क्या है बी है और ये जो है बेटा ये बीकर सी ठीक है राइट. लेट्स सपोज बेटा इसमें मैंने क्या करा 90% तो इसमें वाटर है और 10% अल्कोहल ठीक है. एक इसमें ऐसा है 50% क्या है बेटा वाटर है और 50% हमारे पास अल्कोहल है और तीसरे वेसल में क्या करा बेटा मैंने 10% वाटर कर दिया और 90% अल्कोहल कर दिया. अब मैं अगर आर्यन आपसे पूछता हूँ बेटा मैं तीनों कंटेनर ऐसे रखे हुए हैं आपके सामने तो सबसे ज्यादा स्मेल किसमें आएगी सबसे ज्यादा तेज जल्दी स्मेल किसमें आएगी आर्यन कंटेनर ए कंटेनर बी की सी में बेटा सी में विभोर बेटा किसमें आएगी सबसे ज्यादा स्मेल ए में बी में की सी में राइट ठीक है. खुशी बेटा सबसे कम किसमें आएगी ए में ठीक है ना राइट. तो ये क्या ये तो कोई भी बता देता इसमें कौन सी बड़ी बात है जिसमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसमें क्या होगा ज्यादा स्मेल आएगी और ज्यादा स्मेल आने का मतलब क्या उसमें ज्यादा वेपर्स जनरेट हो रहे होंगे नहीं हो रहे होंगे आर्यन बेटा बताओ. यस सर ठीक है. तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं अगर मैं वेपर प्रेशर क्लोज करता और वेपर प्रेशर दिव्यांश नापता या मेजर करता तो सानिया सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका आता बेटा सी वाले में सी का और सबसे कम किसका आता बेटा ए वाले ए का. कोई डाउट आदित्य कोई डाउट बेटा नो सर ठीक है. सो दिस मींस अगर मैं वेपर प्रेशर का ऑर्डर लिखता तो वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनर सी सबसे ज्यादा होता फिर किसका होता बी का फिर वेपर प्रेशर किसका ए का. तो क्या हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं बेटा कि जिसमें क्या होगा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा बताइए. यस सर सभी से पूछ रहा हूँ बेटा मैं सभी को क्लियर है ये चीज. यस सर कोई डाउट ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये ऐसे लिखता हूँ पी ए पी बी और पी सी है ना ये वेपर प्रेशर है कंटेनर ए बी सी का ठीक है राइट. एक 200 एक 150 और एक 120 तो मुझे बता सकते हैं बेटा जो 200 होगा वो किसका वेपर प्रेशर होगा ए का बी का कि सी का मैच द फॉलोइंग है सी का. खुशी बेटा किसका होगा 200 किसका होगा 200 mm विभोर बेटा किसका होगा आदित्य किसका होगा बेटा 200 किसका होगा क्या सर एक बार रिपीट करना 200 नहीं है यार आदित्य हो सर होना बेटा क्वेश्चन ये है कि मैच द फॉलोइंग बेटा पी ए पी
ये पीवी पीसी बेटा वेपर प्रेशर है और यहाँ पे इनकी वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, पीसी का कौन सा वेपर प्रेशर हो सकता है इन तीनों में से, 200, 120 की 150 बेटा। आर्यन बेटा आप बताओ किसका होगा, 200 सी का। आदित्य बेटा आप ध्यान रखिए क्लास में बेटा, हाँ अगर ऐसे करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी बेटा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट निकल जाएगा फिर दिक्कत होगी, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा था बेटा, मोर वोलेटाइल, कंसेंट्रेट करिए बेटा, लिखिए ना लिखिए, सुनिए जरूर बेटा, हाँ लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू राइटिंग बेटा। मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको लिखना है तो अगर आप लिख भी सकते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं तो ऐसा आप फोटो कॉपी करवा सकते हैं, डोंट वरी अबाउट द राइटिंग बेटा, ठीक है ना, सुनिए बस, हाँ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट बेटा, ठीक है ना, राइट। फिर बाद में उसको आप, मैं नोट भेजूंगा तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हो। हमने क्या बोला बेटा कि जिसमें परसेंटेज, जिसमें क्या होगा, जिसमें परसेंटेज मोर वोलेटाइल का सबसे ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा आदित्य बताओ। यस सर। तो इसमें कितना परसेंट है बेटा, 90% है, तो इसी कंटेनर का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो दिस मींस पीसी इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है बेटा, 200 की। यस सर। तो पीसी क्या की वैल्यू क्या आई, 200 आई। अब मुझे पीए की वैल्यू बताओ आदित्य क्या होगा बेटा, पीए की वैल्यू 120। तो हम यहाँ पे रूल थम रूल बना दें कि जिसमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का परसेंटेज ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, ठीक है, कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को, यही क्या है बेटा, यही क्या है, ये हमारी दादी नानी भी बता देती कि नहीं बताती बताओ, ये हमारे कोई भी बता सकता था ये, तो ये आप भी बता सकते थे, ठीक है ना। बट ये महान एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बनाया फसाया है, और जिनका नाम था राउल्स, क्या नाम था इनका, राउल्स बेटा, ठीक है ना, ठीक है, राइट। सो दैट दिस वॉज गिवन बाय राउल्स, राउल्स ने क्या करा ये तो सभी को पता था, बस इसी को इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। He has given some mathematical expression and that mathematical expression is known as Raoult's law. ठीक है ना, राइट। सो कहने का ये मतलब है, the vapor pressure of a solution was given by a law. That law was given by a French scientist. His name is Raoult's and that expression is known as Raoult's law. ठीक है, कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, no, कोई डाउट, ठीक है, राइट। तो आइए देखते हैं राउल्स ने क्या कहा, ठीक है ना, राइट, इसी को ध्यान में रख के, ठीक है, हम क्या कहते हैं, देखिए बेटा, हाँ लेट सपोज हमारे पास क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है, हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, कंटेनर क्लोज्ड है बेटा, ठीक है ना, राइट, और ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, मतलब ए प्लस बी है बेटा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ए जो होगा बेटा उसको हमेशा, ए कंपोनेंट को हमेशा सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ए होगा बेटा वो होगा सॉल्वेंट, और जो बी होगा बेटा वो होगा सॉल्यूट, ठीक है, दोनों ही वोलेटाइल हैं, बोथ आर वोलेटाइल, अगर दोनों ही वोलेटाइल है बेटा, दोनों ही लिक्विड है, तो मुझे बताओ क्या क्या जो वेपर्स हैं वो सिर्फ ए के जनरेट होंगे कि बी के जनरेट होंगे, दोनों के होंगे बेटा, अगर दोनों ही वोलेटाइल दोनों के होंगे, दोनों के होंगे, इसका मतलब यहाँ पे ए के भी होंगे बेटा और बी के भी होंगे, है कि नहीं। सो दिस ए भी कुछ वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा होगा, तो लेट्स सपोज उसको पी ए कह देते हैं, ठीक है ना, राइट, और बी भी कुछ जनरेट कर रहा होगा तो उसको पी भी कह देते हैं, है कि नहीं बेटा, बताइए। Yes, और हमें पता है बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, कि जो टोटल प्रेशर होता है दैट इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर की नहीं बेटा, बताइए। यस सर। सो दिस मींस पीटी इक्वल टू पीए प्लस पीबी होगा कि नहीं होगा बेटा। यस सर। ठीक है, राइट। सो पीटी क्या है बेटा, इट इज अ टोटल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, या सीधे कहते हैं प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये जो पीटी है बेटा दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, राइट, प्लीज, हाँ इम्पोर्टेंट है बेटा, नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, राइट, क्या है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, राइट।
सिमिलरली जो पीए है बेटा वो देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, इट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट कंपोनेंट ए, या कंपोनेंट ए क्या बेटा सॉल्वेंट, ठीक है ना, राइट, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, आर्यन क्लियर है बेटा, आर्यन क्लियर है, आर्यन बेटा क्लियर है आपको, ठीक है, विभोर बेटा क्लियर है सर, ये ऊपर डीएलएलपी क्या लिखा, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बेटा, अच्छा ठीक है, ठीक है राइट, तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, दैट इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर बेटा। विभोर बेटा क्लियर है, खुशी क्लियर है बेटा आपको, यस सर, ठीक है, आदित्य आपको क्लियर है बेटा, क्लियर है सर, ठीक है, सो दिस मींस पीवी को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, कंपोनेंट बी हमने सॉल्यूट एजिट किया हुआ है इन द सॉल्यूशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, इन द सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन में जाने के बाद जो प्रेशर, क्या कह रहे हो दिव्यांश, आपने कहा ना मतलब, तो मैंने कहा वही जो सॉल्यूशन के जाने के बाद, अच्छा क्लियर है राइट, तो सॉल्यूशन के अंदर है बेटा, हाँ ये प्योर कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे, प्योर कंपोनेंट की बात हमने पहले करी थी, नाउ द वेपर प्रेशर, ठीक है ना राइट, ए का इन द सॉल्यूशन है दैट इज पी ए, और पी बी है वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, कोई डाउट बेटा, कोई डाउट मुझे बताइए, ठीक है राइट, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी, किसी कोई डाउट बेटा, करेक्ट है राइट, ठीक है, अब देखिए हाँ, रब कर दूं बेटा बोर्ड में, रब कर दूं, यस सर, देखिए बेटा हाँ, लेट्स सपोज अगर मैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है राइट, लेट सपोज इसमें 90% एल्कोहल और 10% वाटर है, ठीक है ना, दूसरे कंटेनर में हमारे पास है 10% वाटर है, सॉरी 90% वाटर है और 10% एल्कोहल, आप मुझे बता सकते हो बेटा, अगर मैं यहाँ पे वाटर, इसका प्रेशर, ठीक है ना, इसको बी बोल रहे हैं, इसको ए बोल रहे हैं, या जिसको भी ए बी बोलना चाहे आप किसी को कह सकते हैं, तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, पूछता हूँ कि जो अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर था, ठीक है ना, सॉल्यूशन में किस कंटेनर में ज्यादा होगा, ए में कि बी में, ए में, सबसे पूछ रहा हूँ मैं अल्कोहल का, अब मैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं पूछ रहा हूँ, अब मैं पूछ रहा हूँ अल्कोहल का वेपर प्रेशर बताइए कि किस में ज्यादा होगा, वेसल ए में, वेसल बी में बेटा, तो ए में होगा क्योंकि ए में वो सॉल्वेंट होगा, हाँ ए में ज्यादा होगा, तो क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि बेटा ए में क्या है, अल्कोहल ज्यादा है, तो अगर अल्कोहल ज्यादा है तो उसके वेपर्स भी ज्यादा जनरेट होंगे, ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल के वेपर्स क्या होंगे, कम जनरेट होंगे, ठीक है, सो जहाँ पे अल्कोहल के वेपर ज्यादा जनरेट होंगे उसमें उसका क्या होगा, उसमें उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्लियर है कि नहीं बच्चों, ये बताइए क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, जिसमें भी कोई भी लेट्स सपोज आप वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट का देख रहे हैं, ठीक है ना राइट, लेट्स सपोज ऐसे पूछता हूं मैं आपसे, ठीक है ना, ये गैस है कोई, ठीक है ना, गैस है, ठीक है राइट, एक में गैस के लेट्स सपोज O2 और N2 है बेटा, हाँ O2 के मोल्स लेट्स सपोज कितने, 10 है, और N2 के मोल्स 5 है बेटा, किसका प्रेशर ज्यादा होगा इसमें, O2 का कि N2 का, O2 का, क्योंकि हमें पता है जो प्रेशर होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, मोल फ्रैक्शन, मोल मोल्स पे या मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है बेटा, राउल्स ने क्या कहा कि ये जो परसेंटेज है उसने इसको एक्सप्रेस किया किसके टर्म्स में, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, क्या हम कर सकते हैं परसेंटेज को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में कि नहीं कर सकते, बताइए बेटा, कर सकते हैं राइट,
सो दिस मींस क्या है, जिसमें ज्यादा परसेंटेज या ज्यादा मोल्स होंगे ठीक है ना किसी भी कंपोनेंट में, उस वेसल में उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। तो राउत ने क्या कहा बेटा कि जो वेपर प्रेशर है ऑफ एनी कंपोनेंट, क्या कहा, वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन ठीक है ना, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉरी ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, इट्स मोल फ्रैक्शन उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर। क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है बताइए। क्लियर है सर। ठीक है राइट, कि जिसमें परसेंटेज का इनडायरेक्टली मतलब हम कह सकते हैं, या तो आप, हमने क्या कहा था, कंसेंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन या मोलैलिटी या मोलैरिटी। राउस ने क्या करा, राउस ने उसको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में उसको वो किया, इवेल्युएट किया और बोला वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन होगा। लेट्स सपोज ठीक है ना राइट, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ठीक है राइट, यहाँ पे एल्कोहल है और वाटर है ठीक है राइट, लेट्स सपोज इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स बी है, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए है ठीक है राइट। सो दिस मींस जो पी ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए होगा, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, और जो पी बी होगा वो अपने मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा या प्रोपोर्शनल होगा। कोई डाउट सानिया, कोई डाउट बेटा सानिया, कोई डाउट सर? क्लियर है, उसी क्लियर है बेटा, उसी क्लियर है। यस सर। कहने का सिर्फ इतना मतलब है बेटा कि अगर आपके पास दो वेसल हैं ठीक है ना राइट, जिस भी वेसल में जिस कंपोनेंट का मोल्स ज्यादा होंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, ऑब्वियस है बेटा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा ही होगा। आर्यन क्लियर है बेटा? आर्यन क्लियर है? यस सर। विभोर बेटा क्लियर है आपको? यस सर। पुनीत आपको क्लियर है बेटा? पुनीत आपको क्लियर है? ठीक है दिवांश क्लियर है बेटा आपको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा, बी है ठीक है राइट। और इसी को क्या कहते हैं बेटा, दिस इज नोन एज राउल्स लॉ, इसी को क्या कहते हैं, राउल्स लॉ, कि वेपर प्रेशर क्या बोलेंगे इसको, स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों, वेपर प्रेशर ठीक है ना ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट, हमने दोनों केस दोनों लिक्विड माने थे, दोनों ही वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट किस में, सॉल्यूशन में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। सो दिस इज नोन एज राउल्स लॉ बेटा। इसको सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, लिख रहा था ये, रिपीट कर रहा हूं, वेपर प्रेशर of a volatile component, vapor pressure of a volatile component in a solution is directly proportional to its mole fraction, to its mole fraction present in the solution, to its mole fraction present in the solution ठीक है right? राउस लॉ की दो तीन और हम और डिफाइन करेंगे दो तीन और तरीके से, क्वेश्चन आ चुका है वो आपको, क्या है क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है आईआईटी में कि उसने चार आपको स्टेटमेंट दे रखी थी और पूछा था मल्टीपल चॉइस कि कौन सा स्टेटमेंट राउस लॉ का है, तो देर आर थ्री फोर मोर स्टेटमेंट्स ऑफ राउस लॉ, मतलब स्टेटमेंट क्या इसी से डिराइव हुई है, जो हमने अभी बेसिक पढ़ा है ना इसी से फर्दर और स्टेटमेंट डिराइव होंगी या और हम तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं राउस लॉ को ठीक है ना राइट। तो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है बेटा ठीक है राइट, कि अगर किसी भी लिक्विड में किसी भी सॉल्यूशन में जो वोलेटाइल कंपोनेंट होगा या जो लिक्विड होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? नो सर। किसी को? हाँ जी बेटा विभोर कुछ पूछ रहे हो बेटा? आदित्य कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर हम कह रहे थे कि नो डाउट है। ठीक है राइट, क्लियर है? आर्यन क्लियर है बेटा? आर्यन क्लियर है आपको? क्लियर है सर। ठीक है, तो हमने ये बोला था
कि अगर हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट बेटा लिक्विड है, तो दोनों का जो टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का आएगा वो दोनों के वेपर, दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा उसके इक्वल होगा या पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक है ना, राइट। और उसका जो वेपर प्रेशर होगा किसी प्योर किसी एक कंपोनेंट का, वो उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, राइट। तो दिस मीन्स अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ बेटा, जो पी ए है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ, तो यहाँ कोई कॉन्स्टेंट के लिखता हूँ और यहाँ लिख दिया बेटा एक्स ए, और जो पी बी लिख दिया बेटा के बी इंटू एक्स बी, ठीक है, राइट। अब अगर आप देखिए बेटा, हाँ लेट सपोज हमारे पास क्या है, ठीक है, राइट, कंटेनर क्लोज है और यहाँ पे वेपर्स भी, लेट सपोज यहाँ पे वही क्या कहते हैं हम, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक्स ए का कितना था बेटा, लेट सपोज कितना था 1/3, और एक्स बी का लेट सपोज 2/3, अज्यूम कर लेते हैं कितना 2/3, ठीक है ना, राइट। अब अगर ये यहाँ हम चलिए मोल फ्रैक्शन की पहले परसेंटेज से देखते हैं, लेट सपोज 10% क्या था, एल्कोहल था, और वाटर कितना था 90%। अब आप सोचिए बेटा, अगर मैं इस वाटर को 100% कर देता हूँ, इस वाटर को 100% कर देता हूँ, तो अल्कोहल का परसेंटेज कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए, अल्कोहल का परसेंटेज जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई डाउट? और इसका मतलब जो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है, अब ये क्या है, प्योर वाटर है कि नहीं है, इस केस में ये प्योर वाटर है कि नहीं है, है कि नहीं बेटा, पहले कितना था, ये 10% था और ये 90% था, मैंने क्या किया, मैंने इसको 100% कर दिया, 100% कर दिया मतलब प्योर वाटर ले लिया, तो अल्कोहल तो खत्म हो गया, इसका मतलब इस केस में बताइए वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों, बताइए, सान्या कितना होगा, खुशी कितना होगा बेटा, वन, क्योंकि 100% हमारे पास क्या है, अब अल्कोहल है, तो दिस मींस जो एक्स ए है वो कितना हो गया बेटा, वन हो गया। इसका मतलब इस केस में आप मुझे बताइए, ठीक है ना, जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, वाटर की वजह से, क्योंकि अल्कोहल तो है ही नहीं, ठीक है। सो दिस मींस क्या होगा बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक्स ए को वन कर देता हूँ, तो K को क्या पी ए लिखेंगे हम, कि कुछ और लिखेंगे बेटा, पी ए लिखेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं एक्स ए को वन ले लेता हूँ, तो क्या यहाँ पे जो K होगा, क्या हम उसको अभी भी पी ए लिख सकते हैं या कुछ और लिख सकते हैं, या पी ए ही लिखेंगे अब? देखिए क्या था बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पी ए क्या था बच्चों, बताइए पी ए क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन, था कि नहीं था, बताइए सभी लोग, yes, सभी से पूछ रहा हूं मैं, आदित्य क्लियर है बेटा, यस सर, सानिया खुशी बेटा, था कि नहीं था, यस सर, ठीक है, राइट, विभोर आर्यन बेटा, था कि नहीं था, यस सर, ठीक है। अब अगर मैं इसको 100% लेता हूं, तो क्या ये सॉल्यूशन कहलाएंगे हम इसको, क्या हम इसको सॉल्यूशन कहेंगे? नो सर, अगर हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, तो क्या इसको पीए लिखेंगे हम? नो सर, नहीं, पीए तो हमने क्या बोला था, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन, लेकिन जैसे ही आप एक्स ए को वन लोगे, ये अब सॉल्यूशन नहीं बचेगा बेटा, ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, प्योर सॉल्वेंट या प्योर सॉल्यूट, ठीक है ना, तो उसके जो प्रेशर को हम प्योर जो कंपोनेंट होगा उसको हम डिनोट करेंगे बेटा पी नॉट ए से, किससे डिनोट करेंगे, पी नॉट ए, नॉट मतलब जीरो लगा देंगे ऊपर बेटा, तो जब कभी भी इस चैप्टर में नॉट लगा हो, ठीक है ना, दिस मींस इट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ओके सर, क्या आर्यन क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा, बताइए, क्लियर है सर, ठीक है सर, जो आपने लिखा था जैसे पी ए इज इक्वल, जो पहले आपने लिखा था PA is equal to KA into XA, हाँ ठीक है, ये हमने तो लिखा था पहले बेटा, इसी एक्सप्रेशन से लिखा था आदित्य, सर PA तो हो गया कि वेपर प्रेशर ऑफ A, ठीक है, A किसका, A किस में बेटा, सॉल्यूशन में, नहीं सर मैं कह रहा हूँ PA तो हो गया वेपर प्रेशर ऑफ A, A किस XA? में, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है बेटा, ये इम्पोर्टेंट है आदित्य, किस में वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन में सर, हाँ सॉल्यूशन में, ये बोलना जरूरी है, हो गया उनके मोल्स, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जो के है वो पार्शियल प्रेशर होगा,
ना हाँ के पार्शियल प्रेशर हो जाएगा जब आप मोल फ्रैक्शन को वन कर दोगे। अगर मान लो कि मोल फ्रैक्शन को वन नहीं करते, मुझे बताओ वैसे भी मैं मुझे बताओ सर के पार्शियल प्रेशर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ पार्शियल प्रेशर ही होगा, मैं दोबारा इस चीज पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे बताओ आदित्य क्या एक्स ए की कोई यूनिट होगी बेटा? मोल्स की? मोल्स नहीं है यार, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन। तो क्या यूनिट होगी इसकी बेटा? नो सर। नहीं तो दिस मींस के तो क्या होने वाला है, प्रेशर ही होने वाला, यूनिट प्रेशर की आएगी। ठीक है सर। ठीक है ना, अब हम एक उस प्रेशर को क्या कहेंगे ये इंपॉर्टेंट है कि के को क्या कहेंगे, क्या हम प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन कहेंगे या हम ये कहेंगे कि व्हिच इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए कहेंगे, ये बस इंपॉर्टेंट है। अब ये तब हम कहेंगे जब हम एक्स ए को वन कर देंगे। मैं के की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ बेसिकली, तो अगर मैं एक्स ए की वैल्यू एक्स ए को वन कर दूं तो के किसके बराबर हो जाएगा बेटा? पी ए के बराबर। लेकिन हाँ, लेकिन क्या है, अब ये सॉल्यूशन नहीं बचा, ये क्या बचा, प्योर कंपोनेंट ए बचा या प्योर कंपोनेंट बी बचा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। क्या मैं क्लियर हूं बेटा सभी को? यस सर। ठीक है राइट, खुशी सानिया बेटा क्लियर है ये चीज? यस सर क्लियर है। ठीक है विभोर बेटा क्लियर है आपको? आर्यन आपको क्लियर है बेटा? यस सर। विभोर बेटा आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा राइट, तो अब देखिए क्या है, सो दिस मींस हम इसको क्या लिख सकते हैं, के को मैंने क्या लिखा, पी नॉट ए लिख दिया, और अगर मैं एक्स बी को वन करता तो इसको पी नॉट भी लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, बताइए बच्चों? Yes, है कि नहीं? सिमिलर वे में अगर मैं एक्स बी को वन रखता तब ये पी नॉट बी हो जाता, है कि नहीं बच्चों, बताइए? यस सर। अन्य क्लियर है बेटा? यस सर। सो दिस मींस मैं क्या लिख रहा हूँ अब, तो पी ए क्या है बेटा, पी ए को क्या लिख रहे हैं, पी ए इज इक्वल टू क्या लिखा था, के इंटू एक्स ए, तो इसको आर एन क्या लिखते हैं बेटा, पी ए इंटू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, कैसे लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं। ठीक है राइट, और सिमिलरली जो पी बी है बेटा उसको लिख दिया हमने पी नॉट बी इंटू एक्स बी, बेटा खुशी क्या लिख सकते हैं ऐसे, खुशी क्या लिख सकते हैं बेटा ऐसे हम? यस सर। ठीक है राइट, अब क्या है बेटा, जो हमने जो प्रेशर बोला था टोटल दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी बोला था कि नहीं बोला था, बताइए? जो टोटल प्रेशर ये जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है प्लस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन, सानी ऐसे कहा था हमने? यस सर। सो दिस मींस बेटा जो पीटी होगा, पीटी किसके बराबर हो जाएगा, पीटी इक्वल टू पी नॉट ए इनटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इनटू एक्स बी। ठीक है, यही एक्सप्रेशन है बेटा किसका, राउंडस्टॉपर, इसी को क्या कहते हैं, राउंडस्टॉपर। सो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ राउंड्स लॉ when both the components are volatile, ठीक है ना? So ये क्या है? This is the expression of Raoult's law when both components of solution is are volatile. कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? तो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आर वोलेटाइल, बेटा जब दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल होंगे तो फॉर्मूला क्या है बेटा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? नो सर। क्लियर है बेटा सभी को? क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा ये? यस सर। यस सर। तो बस यही फॉर्मूला है बेटा, इस चैप्टर में सिर्फ चार फॉर्मूले हैं, या मैं कह दूं पांच फॉर्मूले हैं, फाइव में से एक फॉर्मूला हमने बोर्ड पे लिख दिया, चार और फॉर्मूले बेटा उन्हीं फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आता है। बहुत इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, बट बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है बेटा, क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए बस, ठीक है ना राइट। इसमें कुछ भी हिडन नहीं है, कुछ भी छुपा नहीं है कि ऐसे कुछ रिएक्शन आ जाए कि ए गिव्स बी, ए बी से रिएक्ट करके सी बन रहा, हमें पता ही नहीं चल रहा कि सी बन क्या रहा है,
तो हिडन नहीं है कुछ भी, ये बहुत लॉजिकल चैप्टर है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है और इसकी कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, इतनी मुश्किल कैलकुलेशन भी नहीं, ठीक है ना, राइट। तो आइए इसको थोड़ा और हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। सो हमने क्या लिखा था बेटा, पी टी इक्वल टू लिखा था पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी बेटा, ठीक है ना, राइट। दिस एक्सप्रेशन ऑफ राउट्स लॉ, और हम जानते हैं बेटा छोटी क्लासेज में पढ़ा हमने एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होगा बच्चों, वन होगा कि नहीं होगा, यस सर, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, एक का मोल फ्रैक्शन दे दे और पूछे पी टी बताइए, तो एक का मोल फ्रैक्शन दे दे और दूसरे का हमें ऑलरेडी नोन ही होगा, ठीक है ना, राइट। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेट्स सपोज आई वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ एक्स ए, तो एक्स बी को लिख दिया मैंने वन माइनस एक्स ए लिख दिया, यहाँ पे पुट कर दी बेटा वैल्यू, तो पी टी इक्वल टू क्या हो गया पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस वन माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट बी बेटा एक्स ए सॉरी, ठीक है। तो दिस मीन्स क्या हो गया बेटा पी नॉट ए, ठीक है ना, राइट, और ये एक्स ए बेटा, तो दोनों में कॉमन हो गया, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, ठीक है, राइट। और यहाँ क्या बचा बेटा पी नॉट बी बचा, और ये क्या बचा बेटा पी टी बचा, क्या ये एक्सप्रेशन आएगा कि नहीं आएगा बेटा बताइए, क्या ये एक्सप्रेशन आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, हाँ जी बेटा, तो हमने के ए की जगह पी नॉट ए इसलिए लिखा ना क्योंकि एक्स ए की वैल्यू वन थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन कैसे, मुझे मुझे ये बताइए बेटा क्या कहते हैं जो एक्स जो के होगा बेटा अनप्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो उसकी क्या होगा, वो उसका फिक्स ही रहने वाला है बेटा, वो एक तरीका है कि हमने उसको कैसे निकाला, कोई और तरीका हमारे पास नहीं था, दिस इज द इजीएस्ट वे बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के और के बी बेटा। तो फिर सर इसमें एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन मतलब गिवन है, मतलब कैसे करा, नहीं बेटा ये तो ऑलरेडी नोन ही होगा ना हमें, अगर मोल फ्रैक्शन किसी एक के वन होंगे तो दूसरे के भी तो कितना, सॉरी दोनों का सम वन ही होने वाला है कि नहीं होने वाला, अच्छा वन में से दो, ठीक है, एवरेज कैलकुलेट करना, ठीक है, यस राइट। सो दिस मींस कि जो पीटी होगा बेटा वो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है, राइट। सो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है बेटा, क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है, राइट, यहाँ पे देखिए हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं बेटा, ठीक है ना, पी टी वर्सेस एक्स ए, याद रखिए बेटा पी नॉट ए और पी नॉट बी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बताइए पहले आदित्य, क्या ये कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, पी नॉट ए और पी नॉट बी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी नॉट ए और पी नॉट बी तो कांस्टेंट होने वाला है ना, अगर आपने प्योर वाटर लिया हुआ है और प्योर एल्कोहल लिया हुआ है तो दोनों का वेपर प्रेशर तो किसी टेम्परेचर पे कांस्टेंट ही होने वाला है, yes, सर, चाहे आपने उसमें 10 ml लिया है 50 ml लिया है 100 ml लिया, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, दे ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमने थ्रू आउट चैप्टर में कांस्टेंट माना हुआ, दिस मीन जो पी नॉट ए है और जो पी नॉट बी है बेटा वो ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है, राइट, दिस मीन्स वेरिएबल क्या है बेटा, वेरिएबल इस चैप्टर में या इस टॉपिक में क्या है, एक तो टोटल प्रेशर वेरिएबल होगा क्योंकि आप मोल फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो टोटल प्रेशर वेरिएबल होता है, ठीक है। सो इसीलिए जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम पीटी वर्सेस एक्सए में कर रहे हैं, तो अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा बेटा, ये क्या है, ये वाई एक्सिस पे क्या है एम, और ये एम एक्स हो गया, और ये क्या हो गया बेटा सी हो गया, सो दिस मींस ये तो वाई हो गया, ये स्लोप के बराबर हो गया बेटा, और ये इंटरसेप्ट हो गया, सो दिस मींस एक्स के बराबर हो गया, तो इसमें डिपेंड करेगा कि स्लोप क्या होगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ए है वो ज्यादा वोलेटाइल है, अगर अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है तो पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा होगी कि पी नॉट बी से कि नहीं होगी बेटा बताइए, होगी सर, अगर मैं कहता हूं यहां पे इफ अज्यूम कर रहा हूं पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, तब तो स्लोप क्या हो गया आर एन पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया बेटा बताइए, यस सर, ठीक है ना, राइट, आर एन होगा कि नहीं होगा बेटा, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो कुछ ऐसा ही आएगा और पॉजिटिव रहेगा, तो ये वाली वैल्यू जिसको हम इंटरसेप्ट करें ये सी किसके बराबर है,
पी नॉट बी के बराबर और जिसका स्लोप है बेटा वो पी नॉट ए माइनस क्या है सर, अगर हम पी नॉट बी को ग्रेटर देन लेते हैं पी नॉट ए से फिर तो उल्टा हो जाएगा बेटा, ग्राफ ऐसे आ जाएगा बेटा, नीचे की तरफ जाएगा और क्या होगा बस। ठीक है सर, है ना, स्लोप नेगेटिव हो गया ना बेटा। ओके सर, ठीक है ना, राइट। अब 10:45 है और 10:135 है तो दोनों ही की वैल्यू ऐसी तो होगी बेटा, माइनस प्लस वन माइनस, करेक्ट है ना बेटा। सानिया क्लियर है बेटा आपको ये ग्राफ? यस सर। सर एक मिनट आपको बेटा। यस सर। आर्यन आपको बेटा, विभोर आपको, सर एक बार रिपीट कर दो। देखिए क्या है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा, यहाँ तक बताइए क्लियर है कि नहीं है विभोर? यस सर। ये वाले क्या कर दिया बेटा मैंने, इसको एक्स ए और एक्स बी तो वन ही होता है बेटा मोर फ्रैक्शन, एक्स बी को वन माइनस एक्स ए कर दिया और एक्स बी को यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे। तो इसको क्या किया, देखिए यहाँ पे पी नॉट ए एक्स ए आएगा और यहाँ पी नॉट बी एक्स बी एक्स ए आएगा माइनस के साथ, इन दोनों को क्लब करके लिख दिया एक साथ और ये बचा जो पी नॉट बी, ये अलग कर दिया। ठीक है, ठीक है विभोर? यस सर। ठीक है, अब क्या है बेटा देखिए यहाँ, ठीक है आपको मैथ्स में दिक्कत है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है बेटा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या होती है y is equal to mx plus c is a equation of straight line. Straight line क्या होता है बेटा, ये हो गया, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होती है बेटा, ये वैल्यू होती है c, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट, और ये x एक्सिस है, कितना एंगल बनाती है थीटा, इसको कहते हैं tan थीटा बेटा, अगर इस थीटा का हम tan लेंगे तो हमें इसको क्या बोलेंगे बेटा, स्लोप, क्या कहते हैं स्लोप, स्लोप मतलब x एक्सिस को कितने एंगल पे काटेगी, ठीक है ना, राइट। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, m से। क्लियर है विभोर, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब इसी को देखिए, अगर मैंने y एक्सिस पे क्या लिखा बेटा, ये y एक्सिस था, y एक्सिस पे क्या लिख दिया, pt लिख दिया, लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये y एक्सिस हो गया y, ठीक है ना, राइट। x एक्सिस पे ये x एक्सिस था, इसकी जगह मैंने xa लिख दिया बेटा, तो यहां xa लिख दिया, कोई डाउट विभोर? नो सर। अब देखिए ये वाली वैल्यू, इसकी कोफिशिएंट इक्वेट करें बेटा, तो ये वाली वैल्यू देखिए, ये m के बराबर आएगा कि नहीं आएगा बेटा, बताइए, है ना, इसकी और इसकी कोफिशिएंट इक्वेट करें तो ये m के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक है, तो ये m क्या है बेटा, कितने डिग्री पे काटेगा, तो इन्हीं ने इसको क्या बोला, स्लोप ही बोला था, दैट इज पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है, और ये जो है, ये जो बचा हुआ है, ये c के बराबर है, इसको हमने क्या कहा था, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब ये जो लाइन है y एक्सिस को कितनी दूरी पे काटती है, कितने डिस्टेंस पे काटती है, इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। क्लियर है विभोर? क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर है बेटा? खुशी आपको क्लियर है, आप भी मेडिकल में हो बेटा, खुशी आपको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। राइट, और करेक्ट है, और इसको जैसे हम ये कह सकते थे कि अगर ये क्या होता, अगर उल्टा होता, इफ पी नॉट बी ग्रेटर देन पी नॉट ए हो जाता, पी नॉट बी ग्रेटर देन पी नॉट ए हो जाता, तब ये स्लोप नेगेटिव हो जाता, टेन थीटा नेगेटिव हो जाता, टेन थीटा नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग आ जाएगी, लाइन डिक्रीज करेगा, तब हमारे पास स्ट्रेट लाइन क्या आएगा, पी टी वर्सेस एक्स ए, और तब ग्राफ विभोर क्या हो जाएगा बेटा, नीचे की तरफ आएगा, अभी भी ये वैल्यू जो रहेगी बेटा, ये वाली जो वैल्यू रहेगी, अभी भी ये पी सी ही रहेगा, ये पी नॉट बी ही रहेगा, और स्लोप जो हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी रहेगा, बट ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, नेगेटिव है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। सभी को क्लियर है बेटा? सभी को? यस सर। ठीक है, राइट, कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, कोई डाउट बेटा, किसी को भी, सानिया, खुशी, आर्यन बेटा, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, राइट, तो कंक्लूजन लिखेंगे बेटा, कंक्लूजन ऑफ राउट्स लॉ बेटा, कंक्लूड करेंगे हम राउट्स लॉ को, ये राउट्स लॉ किसके लिए है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, मतलब दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल थे, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, तो लिखेंगे बेटा इसको, लिखेंगे कंक्लूजन ऑफ राउट्स लॉ बेटा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ राउट्स लॉ जो था बेटा, अगर हम एक्सप्रेशन लिखे उसको जनरल, तो जनरल क्या था एक्सप्रेशन हमारे पास, पी जो था दैट इज वेपर प्रेशर, दैट इज पी नॉट ए इनटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इनटू एक्स बी,
इसी को हमने पहले लिखा था पी नॉट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी बेटा, ठीक है। तो हम क्या लिखें फर्स्ट पॉइंट में, जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन है लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ मोल फ्रैक्शन, इज रिलेटेड विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स बेटा, ये ऑफ एनी कंपोनेंट लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट में से रिलेट कर सकते हैं हम, हम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स ए, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स बी, हमने दोनों के ग्राफ देखे थे बेटा, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स ए और एक्स बी दोनों के टर्म्स। यहाँ पे क्या था बेटा, ये एक्स बी था, ठीक है ना, राइट, सॉरी ये एक्स ए ही था ना, अभी तो हमने एक्स ए में लिखा था, ठीक है, राइट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट लिखेंगे बेटा, वेपर प्रेशर, सेकेंड पॉइंट, वेपर प्रेशर ओवर अ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली, स्ट्रेट लाइन ग्राफ था बेटा, वेरीज लीनियरली विथ मोल फ्रैक्शन, linearly with mole fraction of any component, ठीक है। इक्वेशन क्या आई थी, स्ट्रेट लाइन की आई थी बेटा, y is equal to mx plus c, so मैं रिपीट कर रहा हूँ, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट बेटा, क्लियर है बेटा, कोई डाउट, कोई डाउट बेटा, ठीक है। अब टोटल जो प्रेशर है बेटा, हम देखिए पी नॉट ए और पी नॉट बी तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, दैट कैन बी चेंज्ड बाय वेरिंग द मोल फ्रैक्शन, अगर हम मोल फ्रैक्शन चेंज करते हैं कंपोनेंट्स का तो टोटल प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, तो लिखेंगे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, can be increased or decreased by changing the mole fraction, can be increased or decreased by changing the mole fraction, can be increased or decreased by changing the mole fraction of a components, of a components, clear hai beta, aur last point hai, theek hai na, jo total pressure rahega beta, maine pehle hi bola tha, ठीक है ना, कि जो टोटल प्रेशर आएगा वो वेपर प्रेशर किसके, प्योर वाटर के और प्योर अल्कोहल के बीच में आएगा सॉल्यूशन का, सो दिस मींस जो वेपर प्रेशर है दैट इज पीटी, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है दैट विल बी इन बिटवीन क्या होगा, पी नॉट ए और पी नॉट बी, अगर हम मान के चल रहे कि ए इज मोर वोलेटाइल, ए क्या है मोर वोलेटाइल बेटा बी से, लिखेंगे फोर्थ पॉइंट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विल बी इन बिटवीन, विल बी इन बिटवीन, विल बी इन बिटवीन द वेपर प्रेशर, विल बी इन बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, विल बी इन बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, दैट इज your component, that is P not A and P not B, so that is always in between P not A or P not B, कोई doubt बेटा, कोई doubt, no sir, ठीक है। तो हमने vapor pressure बेटा आज discuss किया solution का, पहले हमने vapor pressure pure components का discuss किया था, या प्योर प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूट मान लीजिए जो भी हम माने, अभी हमने क्या करा, दो लिक्विड लिक्विड दो लिक्विड कंपोनेंट को मिला दिया, बाइनरी सॉल्यूशन बना दिया, तो जब आप दो कंपोनेंट मिला के दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड है और आप सॉल्यूशन बना रहे, तो जो वेपर प्रेशर होगा बेटा वो दोनों के सम के बराबर होगा, मतलब वहां पे ए के भी वेपर्स बनेंगे और बी के भी वेपर्स बनेंगे जो आपने दोनों कंपोनेंट लिए, तो जो टोटल प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का दैट इज प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम प्योर कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे,
कंपोनेंट ए की बात करें इन द सॉल्यूशन, कंपोनेंट बी की बात करें इन द सॉल्यूशन, दैट इज पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। फिर हमने राउल्स ने क्या कहा बेटा, जो वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके उस सॉल्यूशन के अंदर उस पर डिपेंड करेगा। जिसके जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे या मोल ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा है, तो उतने ज्यादा क्या होंगे उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो पी ए जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए था, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी था। ये जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया बेटा तो हमने के और के बी लगाया, और के और के बी को हमने बाद में रिप्लेस किया पी नॉट ए से और पी नॉट बी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पी नॉट ए क्या है मैं रिपीट कर रहा हूँ बहुत बार, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। प्योर मतलब सिर्फ आपने वाटर लिया हुआ है उसका वेपर प्रेशर आप देख रहे हो, मतलब सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है बेटा। और जो पी बी पी नॉट बी था वो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी था। पी नॉट ए और पी नॉट बी बेटा यूजली गिवन होंगे, या इनमें से क्या होगा एक चीज गिवन, एक चीज अननोन होगी बाकी चीज आपको गिवन होगी, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं बेटा कैलकुलेटर से। हाँ जी बेटा कुछ पूछ रहे थे सानिया आप। सर ये दो हर टाइप के सॉल्यूशन के लिए वैलिड होगा रॉड्स लॉ। हाँ दिवांश क्या कह रहे हो बेटा? सर रॉड्स लॉ नॉन आइडियल के लिए वैलिड होगा? नॉन आइडियल के लिए वैलिड नहीं होता बेटा, राउल्स लॉ इज ओनली ओनली वैलिड फॉर क्या कहते हैं ये, क्या कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। क्योंकि क्या होता है बेटा, जैसे हमने ये बोला कि जब आप दो लिक्विड को आपस में मिलाते हैं ठीक है ना, तो क्या होता है वेपर प्रेशर उनके बीच में आता है, बट ये कोई जरूरी नहीं कि वेपर प्रेशर उनके बीच में ही आए। क्योंकि अगर आप सोचिए आपने दो लिक्विड अगर आपने मिला दिए और उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ गया, अगर लेट्स सपोज किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिसिंग थी ठीक है ना, और जब आपने मिक्स कर दिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आ गई उसमें तो क्या करेंगे, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया बताइए? यस सर बढ़ गया। तो दिस मींस बढ़ गया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा उसका। यस सर ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, अगर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिसिंग है अगर वो आ रही है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, अगर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से प्रेजेंट थी उसमें आपने कुछ और मिला दिया तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। लेट्स सपोज आपके पास वाटर था और आपने वाटर में अल्कोहल मिला दिया, तो मुझे बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी कम हुई कि नहीं हुई वाटर की? हो गई। इसका मतलब उसमें क्या होगा उसका वेपर प्रेशर, ये राउल्स लॉ का ओबे नहीं करेगा उसके से। आइडियल सॉल्यूशन हमारे ज्यादा एग्जिस्ट करते तो है ही नहीं, तो पढ़ते ही हो वो तो बेटा आइडियल गैस भी नहीं पढ़ते हम, आइडियल गैस कोई भी गैस आइडियल नहीं है बेटा, तो हम पढ़ते हैं इसलिए पढ़ते हैं बेटा। देखिए जो राउल्स लॉ है बेटा, हाँ आपको क्या लगता है राउल्स लॉ ने जब ये लॉ दिया होगा तो क्या कभी ऐसे सोचा होगा कि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ गया होगा या कम हो गया? नहीं बेटा, दिस मैं आपको स्टेट बता दूं बेटा देवांश, ये जो लॉ है इट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल लॉ बेटा, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल लॉ है बस। ये तो आप भी तो बता सकते थे ये कि जिसमें वाटर का, लेट्स सपोज वाटर अल्कोहल है, जिसमें अल्कोहल का परसेंटेज ज्यादा होगा उसमें उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसमें कौन सा हार्ड एंड फास्ट है आप बताइए? यस सर, ये तो हमारी दादी नानी भी बता देती, कोई भी बता देता, अनपढ़ भी बता देता, कोई भी हमारे परदादे भी बता देते ये चीज। यस सर है ना, तो इसमें कोई महाभारत नहीं थी, ये तो क्या है ये तो कोई भी कर सकता था, बट उसने नया एटम दे दिया, मोल फ्रैक्शन दे दिया बस, और क्या कर दिया ठीक है ना। वैसे तो ये बेटा ये जो लॉ है ये थ्योरेटिकल लॉ है, प्रैक्टिकल लॉ नहीं है बेटा, तो इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन, एक स्टेटमेंट है बस, एक इक्वेशन है बस, मतलब इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। ना, जब प्रैक्टिकली आप जाएंगे ना, एक्सपेरिमेंटली जब करेंगे आप तो ये डेविएट करेगा उससे बेटा, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा ठीक है ना, ग्राफ कर्व नेचर का आता है बेटा, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे या जब हम एज़ोट्रॉप डिस्कस करेंगे तो वहां पे आएगा ठीक है ना। आपने कभी ऐसे सुना है कि अगर आप मार्केट में, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप जाके, मैं आपसे बोलता हूँ दिव्यांश ठीक है ना, पानीपत में एक दुकान है, पानीपत में जब आप गुड़ मंडी को जाएंगे तो वहां पे एक दुकान है भास्कर ब्रदर्स की, वो लिक्विड वो केमिकल बेचता है सिर्फ, पानीपत में एक ही दुकान है जहाँ वो केमिकल्स मिलते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप जाके लेके आइए वो क्या कहते हैं नाइट्रिक एसिड लेके आइए, कंसनट्रेटेड लेके आइएगा, तो आपको क्या लगता है वो कितने परसेंट का आपको देगा? 100% का देगा क्या? नहीं, 100% का नाइट्रिक एसिड एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जो आपको देगा ना वो 63% का देगा। कितना देगा? 63%। यही मैं अगर आपसे कहूंगा कि आप जाके सल्फ्यूरिक एसिड लेके आओ तो सल्फ्यूरिक एसिड भी 100% ही मिलेगा। अगर आपने कभी देखा हो कंसनट्रेटेड, जो सिर्फ जो सबसे ज्यादा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा
वो भी सिर्फ 98% का मिलता है। क्यों आगे नहीं मिलता, why it cannot be 100%, that we will discuss in this chapter later on. Okay sir. ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है बेटा ये चीज आज जो हमने डिस्कस किया, सभी को, सभी से पूछ रहा हूँ बेटा, आर्यन बेटा आपको क्लियर है? Yes sir, क्लियर है। ठीक है राइट, क्लियर है सर। ठीक है राइट, विभोर बेटा आपको क्लियर है? खुशी आपको? Yes sir, विभोर ठीक क्लियर है। ठीक है आदित्य बेटा आपको क्लियर है? आदित्य बेटा आपको क्लियर है? बेटा आदित्य भी चला गया, मुझे नहीं है। ठीक है चलिए बेटा फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना राइट, कोई मैं नोट्स भेज रहा हूँ और वीडियो लेक्चर भी भेजूंगा, अगर आपको तभी भी डाउट होगा बेटा तो आप प्लीज बताना मुझे, ठीक है राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, थैंक यू बेटा।